नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर समय की यूपी से निकल के आ रही है। कैराना में बिना नंबर प्लेट के वाहन में मिली ईवीएम, मौके पर पहुंचे एसडीएम। जी हां दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के मतदान को संपन्न हुए कुछ ही वक्त बीता है और प्रदेश में ईवीएम को लेकर सियासी खेल भी शुरू हो गया है। कैराना में एक अज्ञात वाहन में ईवीएम मिली है। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी पर एक भी नंबर प्लेट नहीं लगी थी, ना ही आगे ना ही पीछे। ईवीएम बीजेपी के कार्यकर्ता के पास से मिली है। वह व्यक्ति ने अपने आप ये खुलासा किया है कि वह बीजेपी कार्यकर्ता है। और आपको दोस्तों बताते चलें, अज्ञात वाहन में ईवीएम के मिलने के बाद मौके पर एसडीएम और अन्य अधिकारी पहुंच गए और छानबीन शुरू कर दी। डीएम और एसडीएम को ईवीएम खुली हुई मिली। इस मामले में जिला अधिकारी का कहना है कि यह चुनाव सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। दोस्तों आपको बताते चलें, पहले चरण में कैराना में हुई है सबसे ज्यादा वोटिंग और वहीं पर ये गाड़ी पकड़ी गई है जिसमें ईवीएम मिली है। ये ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर दोस्तों निकल के आ रही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। आप सभी का धन्यवाद।